अगर तो आपने कॉफी बनानी है ना तो कॉफी मेकर भी पड़ा हुआ है माइक्रोवेव फ्रिज तो पड़ी ही होती है हर कोटेज में स्वर्ड टब का भी अपना ही मज़ा है लेकिन जो पीछे व्यू है ओए 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 जारा 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 look at here आयत 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 चले क्रोइन के लिए चले

ओए होए इतना देरा, इतना देरा। तो करते हुए दिखाया था उसमें कॉटेज की लेकिन उसका रास्ता इतना सुनसान जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया है होए होए मेरी तो जान ही निकल गई थी ड्राइव करते हुए फाइनली हम लोगों ने बुक किया एक और कॉटेज और मैं उसका कराता हूं आपको टूर और दिखाता हूं क्या क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है सबसे पहले हम लोग चलेंगे अंदर ओ देखते हैं कैसा बना हुआ है कॉटेज यहां से स्टार्ट हो रहा है स्टोरेज एरिया कॉटेज का चलते हैं कॉटेज की तरफ बाहर से काफी जबरदस्त बना हुआ है लेकिन असल पार्टी तो अंदर शुरू होगी चेक करें बड़ी खतरनाक सीढ़ियां हैं अच्छी खासी सीढ़ियां हैं सबसे पहले लगाना पड़ेगा पासवर्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा किचन जिसमें डिश वॉशर तक लगा हुआ है और कैबिनेट चेक करें बड़ी खूबसूरत कैबिनेट बनी हुई है स्टोव पड़ा हुआ है कॉफी मेकर अगर तो आपने कॉफी बनानी है ना तो कॉफी मेकर भी पड़ा हुआ है माइक्रोवेव फ्रिज तो पड़ी ही होती है हर कॉटेज में पकड़ लेते हैं एक कॉक देखते हैं यहां पर क्या क्या है यहां पर पड़ी हुई है वॉशिंग मशीन ड्रायर कर लेते हैं लाइट ऑन वॉशरूम है और इसमें लगा हुआ है स्टैंडिंग शावर यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा लिविंग एरिया जो कि बना हुआ है बड़ा ही जबरदस्त हुई है पिंक पोंग टेबल अगर तो पिंक पोंग टेबल आपको खेलने आती है ना तो मैं कहता हूं ये जगह आपके लिए बेस्ट है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं पिंग पोंग टेबल से भी इसके अलावा यहां पर पड़ा हुआ है एल शेप काउच और इंजॉय कर सकते हैं मूवीज फैमिली के साथ क्या बात है टेबल पड़ी हुई है वो टेबल है ये और अगर आपने इंजॉय करनी है फायरवुड तो आपको लानी पड़ेगी वुड्स बाहर से और डालनी पड़ेगी अंदर चलते हैं बेडरूम की तरफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेडरूम जिसमें पड़े हुए हैं बंक बेड्स तकरीबन दो बंदे ऊपर सो सकते हैं नीचे भी दो बंदे सो सकते हैं इसके अलावा ये पड़ा हुआ है कुशन जिसमें अगर आपने बैठना हो तो बैठ भी सकते हैं और अगर आपके हाथ में बोतल हो उसको खोल के एंजॉय भी कर सकते हैं इसके अलावा एल भी लगी हुई है यहाँ पे और चलते हैं ऊपर यह है हमारा सेकंड बेडरूम लगे हुए हैं दो दो क्वीन बेड्स बड़ी ही जबरदस्त पेंटिंग लगी हुई है इसके अलावा इस विंडो से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू और जो इस टाइम व्यू आ रहा है ना मैं कहता हूं क्या ये बात है एक दी है इन्होंने क्लोज इसको हम कर देते हैं बंद ये है एक और विंडो जिसकी मदद से आप देख सकते हैं नीचे के क्या हो रहा है यह है हमारा वॉशरूम जिसे देखते सार उड़ जाएंगे आपके होश लगी हुई है जकूजी मेरा तो अभी ही नहाने को दिल है दोबारा और ये वॉशरूम भी बड़ा ही अच्छा खासा बना हुआ है हल्के में नहीं लेना Knock, knock. ये आ गया हमारा थर्ड बेडरूम जो कि ये बड़ा ही जबरदस्त बना हुआ है मैं कहता हूँ डबल डबल क्वीन बेड लगे हुए हैं ऐसे करके लेटे वैसे करके लेते, लेते जिससे हम मर्जी लेटे मजा ही आ जाता है और यहां से भी देख सकते हैं बाहर का व्यू ये बनी हुई है क्लोजेट इसको कर देते हैं बंद अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं बैग से पड़ी हुई है एक टेबल इसके अलावा बारबेक्यू मशीन और अब जो चीज मैं आपको दिखाऊंगा आप देखकर हैरान हो जाएंगे हॉट टब इसका जो लेवल है ना वाकई में बड़ा ही हाई लेवल है मैं हॉट टब का बड़ा दीवाना हूं चेक करें इस टाइम चल रहा है और बस कुछ ही देर में मैं एंजॉय करूंगा हॉट टब को लेकिन जो व्यू है ना ओवरऑल मजा आ गया देखकर आयत ने पहन लिया लाइफ जैकेट और आयत रेडी होगी कनोइंग के लिए आयत लेट्स गो कम 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 यहां पर पड़ी हुई है हमारी बोट्स चेक करें पाउंड में लोग कर रहे हैं कनोइंग तो गाइज मेरा अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो अल्लाह हाफिज मिलते हैं अगले व्लॉग में